अंसारी परिवार सिर्फ गाजीपुर और मुहम्मदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की राजनीति में एक अलग स्थान रखता है। इस परिवार की अब दूसरी पीढ़ी ने राजनीति में कदम रख दिया है। पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से नामांकन किया, वहीं मुहम्मदाबाद विधानसभा से अंसारी बंधुओं के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी के पुत्र मन्नू अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सपा नेता अंबिका चौधरी भी नजर आए। सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी को सपा ने मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। गुरुवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की और सबसे पहले अखिलेश यादव को धन्यवाद कहा और कहा कि उन्होंने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर मेरा परिवार खरा उतरने का प्रयास करेगा और मुहम्मदाबाद की जनता का पूरा करने का प्रयास करेगा। यहाँ के लोग उनका झोली में ऐतिहासिक जीत डालेंगे। आने वाले 10 मार्च को अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी के सवाल पर मन्नू ने कहा कि हमारा परिवार राजनीति में कोई नया नहीं है। मेरा परिवार 100 साल से राजनीति में है। इंटरनेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हमारे पूर्वज मुख्तार अहमद अंसारी और उसके बाद अभी तक परिवार राजनीति में चला आ रहा है। यहाँ के लोगों का हमेशा समर्थन और प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्षेत्र से हमारे चाचा अफजाल अंसारी 5 बार और हमारे पिता सिबगतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रहे हैं। अब मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और वादा करता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के विकास की समस्या है उसे पूरा किया जाएगा।